हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिति भाषा मिला। आज की वीडियो में हम देखें लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। आज मैंने आपको ये 6 इंच डायमीटर बताया है, इसके पहले मैंने आपको 4 और 5 नंबर के गाना का बताया था। आज मैंने आपको ये 0 साइज में बताया हुआ है, और ये देखें ये है 3 नंबर के गाना का। ये सब ऑर्डर की पोशाक है गाइस, तो मैंने सोचा कि मैं आपको छोटे साइज में भी बना के दिखा दूं। आप भी अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है, बस इसके जो साइज में चेंज आएगा वो आएगा, बाकी सब कुछ हमारा एकदम सेम रहेगा। तो चलिए, मैंने 1 नंबर के लिए बनाई हुई है आज, इसे आप 0 साइज को भी पहना सकते हैं और 2 नंबर को भी बहुत अच्छे से आ जा रही है। आप देखिए, मेरे पास सभी साइज के यहाँ पे कान्हा जी लोग हैं, तो ये 2 नंबर को भी आ रही है और 0 साइज को भी। तो सेम ड्रेस आप 2 नंबर और 0 साइज को भी पहना सकते हैं, तो 0, 1 और 2 को आ जाएगी। मैं आपको 1 नंबर के कान्हा को पहना के दिखा दे रही हूँ। ये सभी कान्हा जी लोग को मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रखती हूँ, ना मैं इनकी सेवा पूजा करती हूँ ना ही मैं इन्हें सेल करूंगी। तो देखिए, पहना के दिखा देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritifashionmila50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, हम यहाँ पे इस तरह से इसे बांध देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करके हमें बांध देनी है डोरी। बहुत इजीली आप बना सकते हैं गाइस, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज के कान्हा के लिए। बस हल्का सा हमारा जो मेजरमेंट है वो चेंज होगा। ये देखिए, ये इस तरह से 1 नंबर को आ गई है। तो आसानी से बनाइए और पहनाइए। चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो, और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है कान्हा जी के लिए। अब देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बेस ले लिया है। ये हमारा 6 इंच डायमीटर है। वैसे तो मैंने आपको डायमीटर कट करना बताया हुआ है, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको सभी साइज में बता दिया है, बट अगर आप बुकरम पे डायमीटर नहीं कट कर पा रहे हैं तो कोई भी आप ऐसे ही 6 इंच की प्लेट ले लीजिए, बुकरम पे प्लेट को रखिए, मार्क करिए और कट कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसकी दूसरी साइड भी कवर करेंगे हम, उसके लिए भी मैंने येलो कलर में बुकरम कट किया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे हम मोड़ के पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। चलिए लगा लेती हूँ, फिर बताऊंगी आगे क्या करना। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा के आप क्या करिए, इसे इस तरह से ऐसे मोड़ लीजिए, मोड़ के यहाँ पे नाखून लगाइए। अब देखिए, जो हमने नाखून लगाया है उसके हम इधर से ऐसे सिलाई लगाएंगे, पूरे राउंड पे लगाएंगे और यहाँ से उतार लेंगे। चलिए लगाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या कर। ये देखिए, हमने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारा बीच में एक्स्ट्रा बुकरम है वो हमें काट के हटा लेना है। ये हमने कर दिया, ये हमारा मेन जो है वो बेस रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे देखिए ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, लंबाई हमने रखी है 10 इंच के करीब में, और इसकी चौड़ाई आपको कैसे मेज़र करनी है ये इससे मेज़र कर लीजिए। ये देखें, इससे यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, एकदम एग्जैक्ट हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। यहाँ पे मैं 4 कलर यूज़ करूँगी। ये देखिए, हमें कैसे प्लेट बनानी है, आगे से मोड़ेंगे और छोटे साइज में बस यही चेंज होता है कि हमें प्लेट अपनी थोड़ी सी पतली बनानी होती है। ये देखें, जैसे हम बड़े साइज में लगभग 1 इंच चौड़ी चौड़ी प्लेट बना देते हैं, तो छोटे साइज में जो है वो हम 1/2 इंच चौड़ी प्लेट बनाते हैं। ये देखें, ये इस तरह से एकदम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक प्लेट हमें डालते चले जाना है। जब आप अपने पूरे फैब्रिक से इस तरह से प्लेट बना लीजिए तो उसे हम यहाँ पे रख के और सिल देंगे। बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ गाइस। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी, सिलाई को लॉक करते हैं और पीछे भी चली जाएगी हमारी सिलाई। अब देखिए, लास्ट प्लेट सिलते ही सुई हमारी ऐसे अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे इसके बाद हम अपना ये मिंट ग्रीन कलर लगा लेते हैं। ये देखिए, इसे भी हम सेम वैसे ही प्लेट बनाएंगे। ये हमने एक प्लेट बना ली, वैसे ही हम पतली पतली सी 1/2 इंच चौड़ी प्लेट बनाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से बहुत खूबसूरत सी ये ड्रेस है। मैंने आपको बड़े साइज में बताया है, आई थिंक 5 नंबर में बताया है। वो ड्रेस आप 4 और 5 नंबर को पहना पाएंगे, और ये वाली ड्रेस आप 0 और 1 नंबर को पहना पाएंगे। आप लोग के इतने सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मटेरियल ही नहीं हुआ है। घर पे जो आपके सामान पड़ा हो उसी की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं, तो सभी लोग इसे बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से ऐसे उठा लिया है। उठाने के बाद किसी भी चीज़ की हेल्प से हम प्लेट को इस तरह से अंदर डाल देंगे। अंदर डाल के बराबर करिए
और उसके बाद यहाँ पे ऐसे रख के इसे भी सिल दीजिए। ये देखिए इसकी भी जो है लास्ट प्लेट स्टिच होगी, तुरंत हम अपना येलो वाला लगा लेंगे। एकदम डिटेल में मैंने आपको समझाया है, कहीं भी कुछ स्किप नहीं किया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए हम चार कलर लगा रहे हैं, तीन मैंने यहाँ पे लिया, एक यहीं पे गिरा हुआ है, उसे भी मैं लगाऊंगी। ऐसे ही हम बारी बारी से अपने सारे कलर्स रिपीट करते चले जाएंगे। मैंने एक एक कलर के तीन तीन पीस लिए हुए हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमारा हो गया है। अब यहाँ पे इस प्लेट को भी पकड़ेंगे, और जैसे हमने मिंट ग्रीन वाला यहाँ पे रखा है, सेम वैसे ही हम येलो वाला भी रख देंगे। ये किसी का ऑर्डर ही था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से। आप भी चाहें तो इस तरह की ड्रेस मुझसे परचेज कर सकते हैं। आप मुझे 7237862439 7287862439 पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, ऐसे ही मैं अपना सारा कलर लगाऊंगी। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे कलर जो है वो स्टिच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो बेस सिला हुआ है इस बेस पे रखेंगे, और पहले तो इसकी कमर मेजर करेंगे कि हमारी कमर पूरी आ रही है या नहीं। तो ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे मेरी पूरी कमर आ जा रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हमने कितने इंच में प्लेट डाली हुई है, तो आप वो भी देख लीजिए कि कितने इंच है यहाँ पे लंबाई प्लेट की। ये है हमारी 4.5 इंच, 4.5 इंच में ये हमारा आ जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है, बट छोटा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से पहले हम यहाँ सिलेंगे, फिर पूरे राउंड पे सिलेंगे, फिर कपड़े को यहाँ पे नेट को हम सिल लेंगे। तो सिलते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। बहुत इजी है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटा बड़ा कोई भी साइज आप बनाइए, आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट किया पूरे राउंड पे, और यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे इसकी प्लेट सेट कर देनी है। तो बस इसका जो हमारा मेन रीजन है कि ये हमारी अच्छे से प्लेट जो है वो सेट हो जाती है, ये नेट का फैब्रिक, ये जो मैं नेट का फैब्रिक यूज करती हूँ, ये हमारी साइनिंग वाली नेट है। ये थोड़ी सी हार्ड होती है और इसमें काफी अच्छी साइन भी होती है। तो आप चाहें तो ये नेट मुझसे भी परचेज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है। आपको जितना परचेज करना हो, आप 1 मीटर परचेज कर सकते हैं, 2 मीटर, 4 मीटर, ऐसा नहीं है कि 500 के अंदर आपको परचेजिंग करनी है या इतने की कोई लिमिट नहीं है। बस आप जितने का चाहें परचेज कर सकते हैं। डिलीवरी चार्ज आपको पे करना होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये इस तरह से हम यहाँ पे इसे सेट करेंगे। तो देखिए, मैं मेरी तो मान लीजिए आदत है, मैंने एक साथ यहाँ पे देखें 2-3 कलर अपना सेट कर दिया। आपसे बात करते करते ही मैंने सेट कर दिया, जबकि एक कलर में सेट कर सकते हैं आप नॉर्मली एक कलर। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। यहाँ पे देखिए 2-3 कलर सेट हो गया है। बस इसे हम अब नीचे से सिलते चले जाएंगे पूरे राउंड पे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 3 कलर सिल गया है। फिर हम आगे से 3 कलर अपना सेट कर लेंगे। आप चाहे तो एक एक कलर भी सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है टोटल। ये देखिए, छोटी ड्रेस है, हाथ में आ जा रही है, तो मैंने सेट कर दी है। ये देखिए इस तरह से, ये ऊपर से अपनी प्लेट अपने आप सेट होते आ रही है, कुछ करना ही नहीं है, बस हल्का सा सिंपल कर लेना है इसे हमें, कि ये जो हमारी थोड़ी बहुत अंदर घुसी हुई है प्लेट, वो सारी हमारी बाहर रहे। ये इस तरह से फ्रिल हमारी देखने में अच्छी लगी, हमने इतनी सारी प्लेट्स बनाई हैं तो हमारी सारी प्लेट जो है वो दिखती रहे थोड़ी। ये देखें इस तरह से। तो चलिए, ऐसे मैं इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगा देती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारे सारे कलर कितने अच्छे से सिल गए, कितना फिनिशिंग से आ गया है ये। अब हम इसे उल्टा करेंगे, और उल्टी साइड से यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमें क्या करना है, ये मैंने ओरियो पट्टी ले ली है, हम इसे यहाँ से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे, और इसे हम पीछे की साइड से लगाना शुरू करेंगे। ओरियो पट्टी कैसे कट करना है, तो एक वीडियो मैंने सिर्फ नेफे के ऊपर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर आप चेक करिएगा, वहाँ मैंने आपको ओरियो पट्टी कट करना बताया है। तो चलिए हम इसे अपने पूरे राउंड पर स्टिच कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है।
ये देखिए हमारा हो गया। उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा था वो सारा कट कर दिया, सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है। अब इसे हम इस तरह से ऐसे फ्रंट पे लेके आ जाएंगे, और फ्रंट पे लाने के बाद देखिए जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे ऐसे मोड़िए। मोड़ने के बाद हम यहाँ पे ऐसे डोरी डालेंगे और इसे पलट के सिल देंगे इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप अपनी सिलाई को स्टार्टिंग और एंड दोनों जगह से अच्छे से लॉक कर लीजिए, और दूसरी चीज़ डोरी के ऊपर से हम सिलाई नहीं लगाएंगे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए ये हमारा जो मेन बेस है वो रेडी हो गया है। अब इस पे हम फ्लावर बना के लगाएंगे। तो फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2.5 इंच चौड़ा ये नेट लिया, लंबाई काफी अधिक है। अभी हम इसे कट करेंगे, इसकी लंबाई को कैसे बनाना है ये देखिए। यहाँ से हम इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे हमें करना है, और उसके बाद इसे हमें रोल करना है ये इस तरह से। ये देखिए बहुत इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए इतना मैंने रोल किया, अभी मोड़ा हुआ थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पीछे से अंगूठा लगाएंगे, ऊपर से उंगली, और इसे देखिए ऐसे नीचे ले जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे हम मोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए मोड़ने के बाद इस उंगली से पकड़िए और यहाँ ऐसे नीचे से इसे पकड़ लीजिए जो आपने मोड़ा हुआ है। फिर वही चीज, फिर हमें ऊपर ऐसे उंगली लगानी है, इसे मोड़ना है और यहाँ से रोल कर लेना है। आप देखिए कितना ईजी है ये। इसी तरह से यही हमारा प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, बस ऐसे करके। ये देखिए मेरी आदत है तो मैं थोड़ा सा जल्दी बना लूंगी, आप इसे आराम आराम से बनाइए, आपका आसानी से बन जाएगा। फैब्रिक कहाँ से मुड़ रहा है, क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखें आसानी से हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो बनता चला जाएगा ये इस तरह से। इसे आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे येलो वाला मेरा थोड़ा चौड़ा हो गया है, यहाँ यहाँ पतला है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बना के लगा दूंगी और बाकी जगह पे थोड़ा सा छोटा छोटा फ्लावर बना के लगा दूंगी। ये देखिए ये कभी भी आप सिलेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही है। ये देखिए ये इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बना दिया नॉर्मल से, और अब हम इसे पीछे से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कट किया। कट करने के बाद इसे हम यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और सिल देंगे। सुई धागे की हेल्प से आप बहुत आसानी से ये ड्रेस पे भी सिल सकते हैं, बट मैं इसे ड्रेस के ऊपर चिपकाऊंगी ग्लू गन की हेल्प से। मेरा ग्लू स्टिक जो है वो बहुत अच्छा है, अगर मैं इस पे से निकालूं तो फट जाएगा नेट बट निकलेगा नहीं। ये देखें इस तरह से हमें करना है। ये हमने यहाँ पे नॉट लगा दी, बस ये कट कर लेंगे, हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब ये हमें इस पे लगाना है। तो मैंने पहले से ही अपने सारे फ्लावर रेडी करके रखे हुए हैं इस पे लगाने के लिए, और ये है स्टोन चार्ट जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से ऐसे मेजर करके कट कर लेते हैं, इसमें से इतनी लंबी लगेगी तो इतनी लंबी जो चार्ट है वो मैं कट कर लूंगी। ये देखें ये मैंने कट कर लिया। अब इसमें से हम एक एक लाइन भी कट करेंगे इस तरह से। बहुत आसानी से आप बहुत खूबसूरत पोशाक बना सकते हैं, और परचेज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। ये देखिए छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, इसमें आप 0 साइज बना सकते हैं, 00 साइज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बनता चला जाएगा। ये इस तरह से मैं सारा कट करूंगी। ये जो स्टोन चार्ट में यूज करती हूँ बहुत अच्छी इसमें साइन है। अगर आप ये ड्रेस पहनाते हैं अपने कान्हा जी को तो इतनी अच्छी वो वैसे ही जगमग जगमग करेगी। चलिए मैं निकालती हूँ इसे, फिर आगे दिखाऊंगी आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ग्लू गन ले ली है, हम यहाँ पे अपने सारे स्टोन चार्ट्स जो है वो चिपका लेंगे। तो इसकी स्टिक जो है वो खत्म हो गई है, हम स्टिक लगा लेते हैं। ये देखिए कैसे करना है, यहाँ पे ये इस तरह से हमें ग्लू लगाना है। ये ऐसे बहुत गर्म होता है गाइस, जिससे आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप बच्चे हैं तो बड़ों की हेल्प लें, और बड़े हैं तो बचा के काम करें। ये देखें इस तरह से बहुत जल्दी से जल जाएगा हाथ आपका, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर ध्यान करेंगे तो। तो पहले हमें यहाँ पे ऐसे इसे लगा लेना है। ये देखिए जहाँ जहाँ इसका जॉइंट है वहाँ वहाँ लगाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह की जो चार्ट है वो यूज़ करें, इस पर आप कोई भी स्टोन लगा सकते हैं। अगर स्टोन नहीं है तो कोई भी आप पतली लेस लगा लीजिए, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये देखें ये इस तरह से मैं इसे करूंगी, और इसी के बीच बीच में हम जो है अपना फ्लावर लगा देंगे ये ऐसे करके। ये देखें
यहाँ पे अभी ये मिंट ग्रीन वाले पे हम अपना मिंट ग्रीन फ्लावर लगाएंगे। तो चलिए अब इसे मैं ऐसे ही डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारे ड्रेस यहाँ पे रेडी हो गई, आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। सिर्फ हमने कपड़े का यूज करके इसे बनाया है। अब चोली के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई का पीस लिया है। इधर से एक बार मोड़ेंगे, इधर से एक बार मोड़ेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर मोड़ के हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस पे सिलाई लगाते वक्त ही मैं इस पे गोटा पट्टी वाली लेस स्टिच कर लूंगी, जिससे हमारी चोली में भी थोड़ा सा गोल्डन टच आ जाएगा और देख के अच्छी लगेगी। देखिए ये लेस बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको मार्केट में, तो आप यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से करके यहाँ पे लगाएंगे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए मैंने सिल दिया। सिलने के बाद यहाँ से हम डबल करेंगे और डबल करने के बाद हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी दूर तिरछी सिलाई लगा के और इस पे अपनी डोरी भी अटैच कर लेंगे बाद में के लिए। ये देखिए हमारी ड्रेस भी रेडी हो गई, हमारी चोली भी रेडी हो गई। अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ कान्हा जी को। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एक नंबर को पहना दिया है, ये रहा इसी के लिए। 3 नंबर के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, आप ऑर्डर करना चाहे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये रहा इसी में हमारा 4 और 5 नंबर के लिए। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।